नमस्कार, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक है आपके लिए, बोस्निया हर्जेगोविना, कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोस्निया हर्जेगोविना फ्रॉम इंडिया। इस टॉपिक में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप कैसे इंडिया टू बोस्निया हर्जेगोविना एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बोस्निया हर्जेगोविना कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया का एक्सपोर्टर बोस्निया हर्जेगोविना को क्या एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और बोस्निया हर्जेगोविना कहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ का लोगों के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, पोर्ट सीपोर्ट्स के बारे में, पूरी डिटेल्स में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा, ताकि आप इजीली इंडिया टू बोस्निया हर्जेगोविना को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोस्निया हर्जेगोविना। सो बोस्निया हर्जेगोविना एक छोटा सा देश है, बाल्कन कंट्री है, यूगोस्लाविया से निकला हुआ, इंडिपेंडेंट मिला हुआ कंट्री है। 1992 में बोस्निया हर्जेगोविना को यूगोस्लाविया से इंडिपेंडेंट मिला था, अलग हुआ था 1992 में। और बोस्निया हर्जेगोविना का जो राजधानी है, कैपिटल है सराजेवो, और उनका जो पॉपुलेशन है करीब 33 लाख का पॉपुलेशन है, काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है, आपके लिए एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है और वहाँ का लोगों के पास बाइंग परचेसिंग पावर है। और बोस्निया हर्जेगोविना का जो करेंसी है आगे बताऊंगा, और वहाँ का जो लैंग्वेज है, बोस्निया हर्जेगोविना का लैंग्वेज है, वहाँ क्रोशियन बोला जाता है, सर्बियन बोला जाता है, ऐसा 2-3 लैंग्वेज, अल्बानियन भी बोला जाता है, बोस्निया भी बात करते हैं, तो 3-4 लैंग्वेज में वहाँ लोग बात करते हैं। और वहाँ का जो करेंसी है, बोस्निया हर्जेगोविना का जो करेंसी है उसको कहते हैं बोस्निया हर्जेगोविना कन्वर्टेबल मार्का, ये उनका करेंसी का नाम है, काफ़ी बड़ा लंबा नाम है, बोस्निया हर्जेगोविना कन्वर्टेबल मार्का उनका करेंसी का नाम है। जो आज के तारीख में अगर 1 बोस्निया हर्जेगोविना कन्वर्टेबल मार्का को आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो वहाँ का एक करेंसी इंडिया का करीब 45 रुपीस मिलेगा, ठीक है। तो बोस्निया हर्जेगोविना का खुद का सीपोर्ट्स है और एयरपोर्ट्स भी है जो उनको मदद करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। और बोस्निया हर्जेगोविना कहाँ पर लोकेटेड है मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए उनका जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है आप देख लीजिए। तो उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है आप देख सकते हैं कौन कौन है बोस्निया हर्जेगोविना का, उनका खुद का सीपोर्ट है, सर्बिया है, क्रोशिया है और मोंटेनेग्रो उनका जो इमीडिएट नेबर्स है और क्रोशिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैप में। तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया, बोस्निया और हर्जेगोविना का मैप में दिखा दिया कहाँ पर लोकेटेड है। उनका काफ़ी पार्ट्स सी पार्ट्स है, सी शोर जो है क्रोशिया का अंडर में है, लेकिन कुछ पार्ट्स उनका जो सी को टच है, इसलिए उनका कुछ पोर्ट्स है, क्योंकि बाल्कन कंट्रीज में क्रोशिया से लेकर अपने अल्बानिया तक आओगे, बाल्कन कंट्रीज में जितने सारे आप सी पोर्ट्स सी मिलेगा, समुद्र मिलेगा, जो उनको कहते हैं एंड्रियाटिक सी है, जो एक पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है। तो काफ़ी सारे छोटा छोटा पोर्ट्स है, छोटा छोटा आइलैंड्स है जो बाल्कन कंट्रीज शेयर करते हैं उनका सी ट्रेड के लिए, ठीक है। तो बोस्निया हर्जेगोविना का खुद का पोर्ट है, सी पोर्ट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, आप देख लीजिए द सी पोर्ट्स ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है सी पोर्ट्स ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना, देख सकते हैं उनका एक मेजर बड़ा सी पोर्ट है जो एंड्रियाटिक सी में लोकेटेड है। और एयरपोर्ट देख सकते हैं उनका सराजेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, करीब 4 बड़ा एयरपोर्ट है, सराजेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका काफी बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। 4 एयरपोर्ट है, सुजिया, बंजा, मोस्टा और सराजेवो, ये 4 एयरपोर्ट है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे, इनवॉइस फॉर्म बनाओगे इंडिया टू एक्सपोर्ट टू बोस्निया हर्जेगोविना, तो आप ये 4 एयरपोर्ट का ध्यान रखिएगा। और जो सी पोर्ट दिखा दिया एक्चुअली जो सी पोर्ट दिखा दिया वो क्रोशिया का अंडर में आता है, लेकिन क्रोशिया के साथ बोस्निया हर्जेगोविना शेयर करते हैं पोर्ट को, ठीक है।
तो मैं आपको बता दिया सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। अभी आप मैं बताऊंगा क्या प्रोडक्ट ए कंट्री एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बोस्निया हर्जेगोविना एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ। तो उनका मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, मिनरल फ्यूल है, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील, वुड एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज है, फर्नीचर वगैरह है, लाइटिंग है, कार सीट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड वुड है, एल्युमिनियम, फर्नीचर, ये उनका मेन प्रोडक्ट है। एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, काफी सारे इम्पोर्ट करते हैं। मेन प्रोडक्ट है पेट्रोलियम ऑयल एंड ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम बिटुमिनस मिनरल्स, ठीक है। मोटर कार्स, काफी सारे प्रोडक्ट का मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट बोस्निया हर्जेगोविना एक्सपोर्ट करता है एंड इम्पोर्ट करता है, आप लिस्ट में पूरा देख लीजिए स्क्रीन में। सो मैंने आपको बता दिया रफली क्या प्रोडक्ट बोस्निया हर्जेगोविना एक्सपोर्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा क्या आपको एक्सपोर्ट करना है टू दिस कंट्रीज, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा इंडिया यानी इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट बोस्निया हर्जेगोविना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बोस्निया हर्जेगोविना, आप देखिए स्क्रीन में, काफी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो द मेन प्रोडक्ट है केमिकल्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, पेपर प्रोडक्ट है, बॉयलर एंड मशीनरीज, जिंक, आयरन एंड स्टील, ठीक है, आप देख लीजिए। वुड प्रोडक्ट है, आर्टिकल्स है, रॉ हाइट्स है, स्किन एंड लेदर, काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बोस्निया हर्जेगोविना, मैं पेज वाइज आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो पेज वाइज मैं काफी सारे प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इंडिया क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। आपको देखा डिटेल्स में दिखा दिया, आप मेरा कंप्यूटर को, मेरा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए, स्टॉप करके अब इतने सारे प्रोडक्ट में आपको दिखा दिया, आपको लिस्ट करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटबुक में, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप इंडिया को बोस्निया हर्जेगोविना क्या क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे, एनी प्रोडक्ट आप कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे, एनी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप पहले उस कंट्री का मार्केट देख लीजिए, वो कंट्री क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, ताकि आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम, हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट कंट्री से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ताकि हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है इसलिए हम इंपोर्ट करें तो हम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो बता दिया आपको क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है बोस्निया हर्जेगोविना, क्या एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया टू बोस्निया हर्जेगोविना, मैं आपको डिटेल्स दिखा दिया ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया आपको कैसे बोस्निया हर्जेगोविना से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ऑब्वियसली आपको मैं बताता रहता हूँ, इंटरनेट से पहले ट्राई करिए, अगर आप इंडिया में अवेलेबल हो, इंडिया में लोकेटेड हो, या कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड लोकेटेड हो, आपको मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आप हिंदी में देख रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को डिटेल्स में देखिए। अगर आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन के जरिए आपको वहाँ से ऑर्डर लेना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना है बोस्निया हर्जेगोविना से, तो वहाँ पर काफ़ी सारे उनका येलो पेजेस है, B2B ट्रेड पोर्टल से, क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, आपको मैं ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख लीजिए, जहाँ से इन वेबसाइट के जरिए आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है फ्रॉम बोस्निया एंड हर्जेगोविना, देख लीजिए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो यह है द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना, yellowpages.ba ये और olx.ba ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है बोस्निया हर्जेगोविना का, आप काफ़ी सारे साइट्स को दिखा रहा हूँ, आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर और आपका लैपटॉप में। सो जैसे आपको मैं बता दिया बाल्कन कंट्रीज के बारे में, जो यूगोस्लाविया से अलग हुआ था, जो मेन यूगोस्लाविया में करीब काफ़ी 7-6 कंट्री अलग हुए थे, सर्बिया का जो राजधानी है बेलग्रेड, जो मेन पार्ट था यूगोस्लाविया का वो रह गया सर्बिया के, सर्बिया, बाकी जो कंट्रीज अलग हुए वो बाल्कन कंट्री का कहलाते हैं। जैसा कि आपको बता दिया बोस्निया हर्जेगोविना है, अल्बानिया,
योगोस्लाविया, कोसोवो, मोंटेग्रो, सर्बिया, ये सब कंट्री है, बैल्कन कंट्री है, योगोस्लाविया से अलग हुए हुए कंट्रीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि ये कंट्रीज यंग कंट्रीज है और अभी फिलहाल इन कंट्रीज में काफी सारे डेवलपमेंट होना बाकी है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन वगैरह होना बाकी है। इसलिए अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आपको इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए और आपको सीरियस होना चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल हम बात करें बोस्निया हर्ज़ेगोविना के बारे में। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जितने सारे लिस्टेड इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स आपको मैंने दिखा दिया, जिनके जरिए आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। इन वेबसाइट्स को आप हमारा कंप्यूटर, हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में आप सेव कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, और जब आपके पास समय है वन बाय वन वेबसाइट को आप खोलिए, आपका कंप्यूटर में ओपन करिए और एक हर वेबसाइट में रजिस्टर करिए। आप एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, जो भी आपका कंपनी है, रजिस्टर करने के बाद आप आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, प्रोफाइल के साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, प्राइसेस, फोटोज वगैरह ऐड कर लीजिए, फिर आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, फिर कंपनी जितने सारे कंपनीज लिस्टेड है आप उनको कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर लीजिए, ईमेल करना स्टार्ट कर लीजिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोफाइल वगैरह भेजिए, प्राइसेस, फोटोज, प्राइसेस एंड आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज का डिटेल्स भेजिए। अगर कोई इम्पोर्टर्स वहाँ पर इंटरेस्टेड होगा तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ उस कंट्री का कितने सारे इम्पोर्टेंट बिजनेस डायरेक्टरीज है, येलो पेजेस है, जो आपको मदद करेगा वहाँ से ऑर्डर पाने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर बोस्निया हर्ज़ेगोविना में काफी सारे इंग्लिश और क्रोशियन, अल्बेनियन, सर्बियन और ये लैंग्वेज में काफी सारे न्यूज़पेपर्स है और मैगजीन्स है, बिजनेस मैगजीन्स है, जो आपको मदद करेगा वहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। सो ये है द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। capital.bar, nasigruno.com है, काफी सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। सो डिटेल्स मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो जितने सारे बिजनेस मैगजीन्स वगैरह है, मैं आपको दिखा दिया, वेबसाइट्स वगैरह दिखा दिया। मैं हर वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि इन वेबसाइट है वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर्स है, लोकल बिजनेस मैगजीन्स है, डेली उनका न्यूज आता रहता है। तो अगर आपके पास समय है आप वन बाई वन इन न्यूज़ को पढ़िए, वेबसाइट में बिजनेस डिटेल्स में पढ़िए, ताकि आपको बोस्निया हर्ज़ेगोविना का बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा, मार्केट के बारे में मालूम पड़ेगा, सोसाइटी, कल्चर, ट्रैवल टिप्स वगैरह मालूम पड़ेगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ट्रैवल करना चाहोगे फॉर टूरिज्म, फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम रहेगा, ताकि आपको इजीली वहाँ ट्रैवल कर सके और वहाँ से बिजनेस ला सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितने साइट्स आपको बता दिया, आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में आप रजिस्टर नोट करके रख लीजिए। जब भी आपके पास समय है आप वन बाय वन आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में जाके आप देख लीजिए ये साइट को। अगर क्रोशियन या अल्बेनियन या बोस्निया लैंग्वेज में लिखा हुआ बना हुआ साइट है, आप उसको इंग्लिश में चेंज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बजट है, हमेशा आपको बोलता हूँ, जितने सारे वेबसाइट आपको बता दिया, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, आप ऑनलाइन में इनका होम पेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप उन कंपनी को, इन वेबसाइट को लिखिए कि आप इंडियन कंपनी हो और आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो होम पेज में, वो आपको प्राइस बता देंगे, फिर आप एडवर्टाइज पेमेंट करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। फिर बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो लोग हैं वहाँ का कंपनीज है, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका शहर में, आपका सिटी में आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, जो आपका कंपनी को एनी कंट्री इन द वर्ल्ड या बोस्निया हर्ज़ेगोविना में मार्केट करेगा थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स, इंटरनेट टूल में आपका कंपनी को, वेबसाइट को मार्केटिंग करेगा, ताकि बोस्निया हर्ज़ेगोविना में आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेस का वेबसाइट दिखाई देगा और वहाँ का कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, अगर आपको आगे बढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का कॉन्टैक्ट करिए, जो आपका कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। और आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए, ताकि आपका वेबसाइट को
वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री से अगर इम्पोर्टर्स देखेगा और इंटरेस्ट होगा आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को देख के, फिर ऑनलाइन में पेमेंट करके वो आपसे इंपोर्ट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। वेबसाइट को बड़ा रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को आप वर्ल्ड वाइड या कोई भी टारगेटेड कंट्री में आप मार्केट करिए, ताकि आपको आगे से ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, डिटेल्स आपको बता दिया एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना का जो कैपिटल है सरेजेवो, जो वहाँ पर एक्सपो होता रहता है। अगर आपके पास बजट है वहाँ पर ट्रैवल करिए, प्रोडक्ट सर्विसेस लेके जाइए और वहाँ सरेजेवो में आप एक्सपो में भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास बजट है आप एडवर्टाइज ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट दीजिए और एक्सपो में भाग लीजिए। अगर बजट नहीं है तो इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए आप कॉन्टैक्ट करिए उन कंपनीज को जो इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कैसे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया ताकि आपको ईजी हो जाएगा, अभी आप कैसे बोस्निया और हर्जेगोविना को एक्सपोर्ट कर पाओगे। फिलहाल मैंने यूरोपियन यूनियन, यूरोप ईस्ट एंड वेस्टर्न यूरोप पार्ट का जितने सारे कंट्रीज है, कैसे आप उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाओगे, मैं हर कंट्रीज का वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द यूरोप मैंने खत्म कर दिया, अफ्रीका का कुछ कंट्रीज मैंने खत्म कर दिया। आगे मैंने सीरीज ऑफ वीडियोज बनाऊंगा अफ्रीका के बारे में और साउथ अमेरिका के बारे में। फिलहाल कुछ कंट्रीज बाकी है यूरोपियन यूनियन का, मैं शायद नेक्स्ट वीक तो खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैंने अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में बनाऊंगा वीडियोस, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीकन कंटिनेंट। ठीक है, ताकि मेरे भाई बहन जो हो एक्सपोर्टर्स हो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जिसको जो आपको हिंदी समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरा वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए, और मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने सारे फ्यूचर वीडियोज आप देख सकें, ताकि आप एक सफल एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सके। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोस्निया हर्जेगोविना। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर और कुछ जानना है आप मुझे कमेंट के जरिए मुझे लिखिए या ईमेल करिए, ताकि आगे और कुछ जानना है, कौन सा कंट्री के बारे में वीडियो बनाना है, उस बारे में हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि कौन सा कंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आप कर पाओगे। फिलहाल हम हर कंट्रीज का वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज का वीडियो बना रहे हैं, आगे हम वन बाय वन हर प्रोडक्ट का वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप समझ जाइए कौन सा कंट्री, वन बाय वन कंट्री को कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे पहले समझ जाइए, बाकी बाद में जैसे ही अफ्रीका साउथ अमेरिका का खत्म हो जाएगी उसके बाद हम वन बाय वन प्रोडक्ट का स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं हमारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपका फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो का डिटेल्स आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।